दर्द रुकता नहीं एक पल भी। मतलब अगर कोई बहुत अच्छा लगने लगे, बात करें, तो क्या करना चाहिए? उसे बता देना चाहिए? कोई अच्छा लगने लग जाए तो हाँ, उसे बता देना चाहिए कि आप उसे अच्छे लगते हैं। इम्साल बेटा, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? मैं ठीक हूं ना? अभी ठीक नहीं। तुम अब मुझसे झूठ बोलोगी? सच तो फिर यही है कि मैं इमरान को पसंद करती हूं, लेकिन हालात तो कुछ और ही निकले। अगर तुम कहो तो मैं आजम से बात करूं, इनकार कर देंगे वो? अब इनकार करके क्या करना है? अरे कुछ भी कह देंगे कि राइमा नहीं चाहती, उसको मत बताना। फिर हो सकता है तुम्हारे लिए कोई बात चले। तुम खुद भी तो कोशिश करके देखो। नहीं आना भी, इसे तो ये जबरदस्ती का रिश्ता हो जाएगा ना। मुझे तो लगता था कि इमरान मेरे बारे में सोचता है। इम्सान, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा और अम्मा ने यहाँ पे आके लड़की बदल दी हो। नहीं सर, मैंने अम्मा से कहा था कि वो आप लोगों से रिश्ता मांगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो तुमसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि कहीं उन्हें मुगालता ना हुआ हो कि शायद राइमा मेरी बेटी है। नहीं सर, मैंने उन्हें बता दिया था कि इम्सान आपकी बेटी है। सर ऑनेस्टली, अगर आपको इस बात पे एतराज है तो बहुत माफी चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि मैं आपका बोझ बटा लूंगा। जिन हालात से राइमा गुजरी है, मैं तुम ठीक कह रहे हो ना, उसके लिए रिश्ता देना तुम्हारी नेकी है। और अगर तुम इम्साल के लिए भी रिश्ता देते तो भी मैं कबूल कर लेता, और इस तरह तुम्हें मेरा लगा लगाया बिजनेस मिलता। और नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ये रिश्ता इसलिए नहीं मांगा कि सर मैं राइमा को पसंद करता हूं, मुझे अच्छी लगती हैं वो, और वैसे भी उनके हालात ने मेरे दिल को नरम कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं उनसे शादी कर लेता हूं तो मैं इस तरह शायद आपके एहसानों का बदला भी चुका सकूंगा। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। तुम जो भी करते हो अपनी मेहनत से करते हो, और जो मेरी मोहब्बत तुमने हासिल की है वो अपने अखलाक से हासिल की है। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि बहरहाल मुझे अच्छा लगा कि तुम जैसे बच्चे बहुत कम हैं जो ये सोचें कि किसी के हालात क्या हैं और उन हालात में तुम्हें क्या करना चाहिए। सिर्फ मुझे उम्मीद है कि आप देखो, मैं राइमा से बात करूंगा, फिर तुम्हें जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं कि राइमा जिन हालात से गुजरी है उन हालात से दोबारा ना गुजरे, और अपनी मर्जी से सोच विचार करके किसी भी रिश्ते के लिए तैयार हो, चाहे वो तुम्हारा हो या जो भी हो। मैं कभी किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, ना तुम पर, ना अपनी बच्ची पर, ना किसी दूसरे की बच्ची पर, खास तौर पर राइमा, जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर और ज्यादा बड़ी है। सच कह रहे हो। मेरा शायद कोई गलत फैसला इम्साल के लिए हो तो मुझे इतना दुख ना हो जितना मैं राइमा के मामले में कॉन्शियस हूं कि इस सिलसिले में मुझसे कोई कोताही ना हो जाए। तो मैं राइमा से बात करूंगा, फिर तुम्हें जवाब दूंगा। पता नहीं, इतना सोच समझ के जवाब देने वाली बात मुझे समझ नहीं आई। वैसे
नहीं, लड़की की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। बुरे हालात में बच्ची आई है, तलाक याफ्ता है, मतलब ये सब कोई इतनी अच्छी बातें तो है नहीं। और तुझ जैसा लड़का मिल रहा है, फौरन हाँ कर देनी चाहिए, सोचने की क्या बात है? अरे नहीं नहीं अम्मा, आप गलत समझ रही हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सोच के बताऊंगा, उन्होंने कहा है मैं रायमा से पूछ के बताऊंगा। अब जाहिर है अम्मा, इतना बड़ा फैसला है, रायमा से पूछे बगैर तो नहीं ले सकते। हाँ वैसे लड़की देखने में तो अच्छी लग रही है, अन्ना भी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी बहुत सलीकामंद है। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर वो लोग हाँ कर देते हैं ना, तो बस फिर हमें जल्दी से 2-4 महीने में निकाह करके ले आना चाहिए। हाँ हाँ अम्मा बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरा भी यही ख्याल है कि फौरन से निकाह कर लेना चाहिए और उसको घर लेके आ जाना चाहिए। वैसे अम्मा मैं ये भी सोच रहा था कि बहुत ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बस कुछ कुछ मैं अपने दोस्तों को बुला लूंगा, कुछ आप अपने रिश्तेदारों को बुला लीजिएगा, छोटा सा फंक्शन करेंगे और उसमें ही रुखसती कर लेंगे। और मेरा ख्याल है अम्मा कि आजम साहब को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा, वो भी धूमधाम से ऐसा कोई फंक्शन नहीं करना चाहेंगे। करनी चाहिए तो नहीं, बस यही है कि जल्दी से निकाह करके ले आए हम, ठीक है ना? अम्मा बाप मानेंगी नहीं, मैं तो कहने ही वाला था, इतने साल हो गए हैं आपको घर में अकेले, पता है कभी कभी मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ ना, मैं घर से बाहर हूँ और खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो फिर। अच्छा ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, दिल अपना चाह रहा है और मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है भाई, मैं तो हमेशा की अकेली हूँ, कोई अभी अकेली हूँ? हाँ तो इतने वक्त पहले भी मैं शादी के काबिल तो नहीं था। देख बेटा, माँ के बड़े अरमान होते हैं शादी के, मैं चाहती हूँ कि बहू आए घर में, खिदमत करे, प्यार करे, मैं भी उसको अच्छी तरह से जानती नहीं हूँ। लेकिन बात पता क्या है, जब बहुएं घर में आती है ना तो शौहर की माँ को सास समझती हैं, बल्कि कहती भी सास है, और तुझे पता है कि मैं उस तरह की सास नहीं हूँ भाई। मैं तो तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ, तुम लोगों की जिंदगी में मैं कभी दखल नहीं दूंगी। तुम लोगों की नई नई जिंदगी है, अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन इतना जरूर चाहूंगी कि वो मेरी इज्जत करे, प्यार करे, चाहे खिदमत ना करे, मुझे खिदमत की जरूरत नहीं है, बस मोहब्बत चाहिए मुझे। अम्मा बेफिक्र हो जाए, मुझे नहीं लगता कि रायमा ऐसी लड़की है जो घर आकर झगड़े करेगी, वो वैसी लगती तो नहीं है। खैर ये तो अभी से मत कह, तुझे क्या पता, अभी तू उसे जानता है कितना। वैसे तू क्या उसे मिलता है, पता है उसे? अम्मा खुदा की कसम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे एक दफा पहले देखा था जब मैं घर गया था, और उसके बाद जब आपके साथ सालगिरह पर गया था तब देखा था, और एक ही दफा करीब से देखा था। अम्मा आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं मुझसे, आप जानती हैं मैं ऐसा लड़का नहीं। पता है मुझे, सब पता है। चल खैर देख क्या कहते हैं, चले आप कुछ खाना वाना भी खिला दें, बहुत भूख लग रही है मुझे। अच्छा अच्छा खिलाती हूँ खिलाती हूँ। अनाबी आपने रायमा से बात की? क्योंकि उसको कुछ भी नहीं मालूम, उस दिन भी वो वक्त पर नहीं आई थी, तब आई थी जब वो रिश्ते की बात करके जा चुके थे, फिर किसी ने उससे बात भी नहीं की। सच पूछो हिमसाल तो मेरा रायमा को बताने का दिल नहीं चाह रहा, मेरे ख्याल से अभी हमें खामोश रहना चाहिए, पहले आजम से बात कर ले फिर बता देंगे। अना भी ये बताने में तो कोई हर्ष नहीं है कि उसके लिए रिश्ता है, अच्छा है ना कि इससे अंदाजा हो जाएगा कि उसे भी कैसा लगा। तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती, तुम दुखी नहीं? मैं दुखी हूं अना भी, इस बात पे कि जो मैं चाहती थी वो नहीं हुआ, लेकिन इमरान के दिल में अगर मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो अना भी मैं उससे जितनी भी मोहब्बत कर लूं हम साथ में जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे, अच्छी तो बिल्कुल ही नहीं। और अना भी मैं जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहूंगी। मैं ये बात नहीं कर रही हूं, मैं वो बात कर रही हूँ जो मेरे दिल में उस वक्त से खटक रही है। हो सकता है कि इमरान ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा क्योंकि वो तुम्हें काफी अरसे से जानता है, रायमा को तो वो जानता भी नहीं है, वो कैसे रिश्ता भेज सकता है रायमा के लिए। मेरे ख्याल से तुम इमरान को फोन करो, अगर वो कहता है कि उसने रिश्ता भेजा है रायमा के लिए
तो चुप हो जाना। सही कह रही हैं आप। मैं करूंगी फोन। तो जाओ, तुम अभी बात करो और रायमा की तरफ से इनकार कर दो, कह दो कि वो अभी शादी करना नहीं चाहती। नहीं नहीं है ना अभी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ ठीक है, इमरान से उसकी मर्जी जरूर पूछूंगी। मैं दुआ करूंगी कि जो शक मेरे दिल में है वो सच। बहुत अच्छा किया जो आपने फोन कर लिया इंसान। मैं खुद यही सोच रहा था कि आपको फोन करूं या ना करूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आपने फोन क्यों नहीं किया? देखिए इंसान, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं और आपने ही कहा था कि हम दोनों दोस्त भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी दोस्त बनकर मेरा साथ देंगी। मैंने आपसे पूछा था ना कि कोई अच्छा लगे तो क्या करना चाहिए, और आपने मुझे कहा था कि उसे कह देना चाहिए। लेकिन क्या करूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन वाकई मुझ में हिम्मत नहीं है। क्या आप रायमा से मेरे बारे में बात कर सकती हैं? क्यों नहीं, मैं जरूर उससे बात करूंगी। लेकिन असूलन पे इमरान तुम्हारा बनता है ना उससे बात करना। मुझे पता तो चले कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। वैसे आपसे बात नहीं हुई उसकी, क्या कुछ बताया तो होगा उसने रिश्ते के बारे में? नहीं इमरान, असल में बात ये हुई थी कि रिश्ते की बात आपकी अम्मी पहले कर चुकी थी और रायमा बाद में आई थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ना ही वो ज़्यादा देर बैठी है, ना ही वो ज़्यादा लोगों से घुलती मिलती है, इसीलिए बात ही नहीं हो पाई। लेकिन इमरान, रायमा बहुत अच्छी लड़की है, तुमने एक बहुत अच्छी लड़की का इंतखाब किया है। रायमा को भी तुमसे अच्छा शख्स नहीं मिल पाएगा, उसे इनकार तो नहीं करना चाहिए। बस मैं यही चाहता। देखिए इस तरह अंकल की परेशानी भी कम होगी, और वैसे भी जब कोई दिल को भा जाए ना तो उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं जाता। खैर मैं यही पूछने वाली थी कि क्या तुमने अपनी अम्मी को बताया रायमा तलाक याफ्ता है और कौन है? जी मैंने बताया था उन्हें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अब वैसे भी देखें हालात तो किसी के भी ख़राब हो सकते हैं। वो यही सोचती हैं कि रायमा आप लोगों के यहाँ रहती है तो आप लोग जितने रीजनेबल हैं आप लोग किसी गलत इंसान को अपने घर तो नहीं रखेंगे। अंकल ने भी यही कहा था कि मेरी दो बेटियाँ, इसका मतलब वो उसे ओन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, वो वैसे भी बहुत अच्छी लड़की है। तुम ठीक कह रहे हो इमरान, रायमा बहुत अच्छी लड़की है। मैं उससे जरूर बात करूंगी। थैंक यू इमरान, मुझे वाकई आज इस बात पर फख्र हो रहा है कि आप मेरी दोस्त हैं। एनीवेज मैं इंतजार करूंगा, मुझे जरूर बताइएगा कि क्या बात हुई। हाँ इमरान, मैं जरूर बता दूंगी तुम्हें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ, मैं देख रही हूँ तुम कई दिन से कुछ खा पी नहीं रही हो। सॉरी अनाबी, मेरे सर में वाकई दर्द हो रहा है। सुबह उठी थी ना तब भी सर में दर्द हो रहा था, और अब जब उठने की कोशिश कर रही हूँ तो चक्कर आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा देर मेहमानों के पास भी नहीं बैठ पाई। तो बेटा डॉक्टर को दिखाओ। नहीं अनाबी, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो सूप पी लो। अरे अनाबी, आप इतना कुछ करती हैं मेरे लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुम इस घर का फर्द हो, तुम हम सबके लिए इतना करती हो तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे? चल पियो। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अनाबी गर्म है। क्या बात है भाई, क्या ड्रामा शुरू किया हुआ आपने? इमसाल मेरे वाकई सर में दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है अनाबी, आपने रायमा को खुशखबरी सुनाई? कैसी खुशखबरी? अरे इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे कोई मुझे कुछ बताएगा? कुछ खास मेहमान आए थे आज जिनसे आप मिली थी। वो जो खास मेहमान आए थे, इमरान की अम्मी? तुम्हें पता है वो क्यों आई थी? क्यों? तुम्हारा रिश्ता लेकर।
क्या मेरा रिश्ता? इमरान का रिश्ता तुम्हारे लिए, तुम बड़ी लकी हो रायमा, और इमरान बहुत अच्छा। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा, नहीं तो लड़कियों के कहाँ रिश्ते आते हैं, ऐसी बैठी रहती हैं। अभी भी देर नहीं हुई रायमा, ना ही वो कमाल है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ और कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। हमें पता है रायमा, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन। हमने कब कहा कि तुम्हारा उससे कोई अफेयर चल रहा था? देखो, इमरान ने तुम्हें देखा, पसंद किया और अपनी अम्मा से कहा और रिश्ता ले आया। तुम हो ही इतनी प्यारी कि कोई तुम्हें देखे तो देखता ही रह जाए। अगर तुम्हें इतराज है तो तुम मना कर दो, मैं आजम से कहूंगी, वो इनकार कर देगा। नहीं अनाबी, मेरा फैसला अंकल खुद करेंगे। मुझे आप लोगों पे एतमाद है और मैं जानती हूँ कि अंकल जो फैसला करेंगे सोच समझ के करेंगे। मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आती हूँ। सूप ठंडा हो गया है, मैं गरम करके ले आऊं? नहीं अनापी, रहने दे, मैं पी लूंगी। इमसाल ने बिल्कुल ठीक किया अनापी, उसे यही करना चाहिए था। अगर रिश्ता रायमा के लिए आया था तो उसे बताना जरूरी था। लेकिन आजम, इमसाल तुम्हारी बेटी और वो इमरान को पसंद करती, और तुमने कहा भी था कि तुम उसकी पसंद का ख्याल रखोगे। लेकिन अनाबी, इमरान इमसाल को नहीं चाहता, वो रायमा से शादी करना चाहता है। तो तुम कह दो ना कि रायमा अभी नहीं चाहती, और सच भी यही है। उसने मुझसे कल ही कहा है कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तुम कह दो उससे कि वो अभी नहीं चाहती, और कह दो कि तुम इमसाल की करना चाहते हो। कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं क्यों कह दूं? उसे कहूं कि छोड़ दे उसे और मेरी बेटी से शादी कर ले? ऐसा नहीं होता ना भी। ठीक है, नहीं कहो तुम, मैं खुद कह दूंगी, मैं उसके कान में बात डाल दूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना भी। तो तुम इमसाल के बारे में नहीं सोचोगे? मैं इमसाल के बारे में ही सोच रहा हूँ ना भी। मैं इमसाल की शादी किसी ऐसे लड़के से नहीं करूंगा जो उसे पसंद नहीं करता हो। आपको तो पता है बाद में जिंदगी कैसी हो जाती है। अगर लड़के और लड़की के दिल में कोई और हो तो वो रिश्ता ज्यादा नहीं चलता। खैर छोड़ें, मैं इमसाल से खुद बात कर लूंगा। बहुत समझदार लड़की है, और जो कुछ उसने किया है सुनकर मुझे खुशी हुई है। दुख के बावजूद उसने पॉजिटिव सोच रखी, यही उम्मीद थी मुझे उससे। अगर वह ऐसा नहीं करती तो मुझे अफसोस होता। आपने रायमा से कहा है कि मैं उसे बुला रहा हूँ? कह दिया है, वो कह रही थी कि मैं आ रही हूँ। लेकिन आजम, मैं बहुत दुखी हूँ। आप इमसाल से बहुत प्यार करती हैं ना भी, और जो लोग बहुत प्यार करते हैं जज्बाती होते हैं, अक्सर बातों को इग्नोर कर देते हैं, गौर नहीं करते। अगर आप सोचेंगी तो मान जाएंगी कि मैं ठीक कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। उसने नाश्ता कर लिया? नहीं, नाश्ता तो नहीं किया, मैं बनाती हूँ। हाँ बना दें, कर लिया। बैठो बेटा, तबीयत कैसी है? अंकल सर में दर्द था लेकिन अब ठीक हो गया। अगर कोई मसला हो तकल्लुफ मत करना, छुपाना भी नहीं। तुम हम पर बोझ नहीं हो, बस तुम्हारी सेहत ठीक रहनी चाहिए। अच्छा अच्छा रायमा बेटा, आना भी और इमसाल ने तुम्हें बताया होगा कि इमरान ने अपनी वालदा को क्यों भेजा था? जी अंकल, बताया था। फैसला तुम्हें ही करना है, अब तुम मुझे बताओ कि मैंने क्या जवाब दूँ। देखो रामा, मैं इमरान के बारे में तुम्हें बता दूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है। 8 साल से जानता हूँ मैं उसे। मिजाज का अच्छा है, सेल्फ मेड है, मेहनत कश है। और अगर इस मामले के बारे में मुझसे पूछोगी तो मैं यही कहूँगा कि तुम इस मामले में बहुत लकी हो। नहीं अंकल,
मैं किसी भी मामले में लकी नहीं। बेटा, हालात बदल जाते हैं, दुखी नहीं होते। खुशकिस्मती कभी कभी दरवाजे पे खटखटाती है। जो लोग दरवाजा नहीं खोलते नुकसान में रहते। देखो बेटा, आखिर में फैसला तुम्हें ही करना है। मैं अपना कोई फैसला तुम पे मुसल्लत नहीं करूँगा। अगर तुम चाहोगी तो मैं हाँ कर दूंगा, अगर तुम चाहोगी मैं इनकार कर दूंगा। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। अंकल, मैं आप पर एतमाद करती हूँ। आप जो फैसला करेंगे मुझे वो कबूल है। ठीक है, तो फिर मैं चाहूँगा कि तुम एक बार इमरान से मिल लो, उसके मिजाज को समझ लो और सोच समझ के फैसला करो। तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, तुमसे मिलकर मुझे जीने की उम्मीद नजर आई। ऐसा लगा कि कोई अपना पिछड़ा हुआ मिल गया। बस मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला गया। जिसकी वजह मेरी तन्हाई भी थी, क्योंकि मैं तन्हा रह रहे तो रुकता चुका होता रहना। इसीलिए मैंने शादी की जल्दबाजी की, जिसका मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं तुम्हें धूमधाम से ब्याह कर लेकर आना चाहता हूँ। आप परेशान क्यों होते हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था तुम यही कहोगी। मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा, इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। सच? क्योंकि मैं अगर चाहूँ भी तो तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आज रूठे हुए साजन को बहुत याद किया, अपने उजड़े हुए गुलशन को बहुत याद किया। जब कभी गर्दिशे तकदीर ने घेरा गेसुए यार नाइमा, उलझन को बहुत याद किया। शाजिया आई होगी, इसने फोन किया था। कोई बात नहीं, वेट कर रही। अरे नहीं, क्या मैं कहीं गलत वक्त पे तो नहीं आ गई? अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। आओ बैठो। सलाम अलैकुम कमाल भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बहुत अच्छी, देख ले। भाई तुम तो मुझसे आई नहीं मिलने, मैंने सोचा मैं तुम्हें अपनी शादी के एल्बम खुद दिखाने आ जाऊं। आज ही बन के आई है और सबसे पहले तुम देख रही हो। वाह, अच्छी है ना? बहुत। वैसे कमाल भाई, आपने अच्छा नहीं क्या शादी की तस्वीरें ना बनवा के? ये तो खुशगवार यादें होती हैं जो इंसान के साथ हमेशा रहती हैं। बनवा लेते तो अच्छा होता। मुझे तस्वीरें खिंचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी हमारे मजहब में इस चीज की इजाजत नहीं है। आप इतने मजहबी लगते तो नहीं है, तो फिर ऐसी बातें क्यों? अपने अल्लाह के अहकामात की पैरवी करने के लिए हमें कोई खास मजहबी होने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, खैर छोड़ें इस बहस को। रहमा, तुम जाके कमाल भाई के साथ खड़ी हो, मैं तस्वीर लेती हूँ तुम दोनों की। अब तो शादी हो गई है तो प्रॉब्लम कैसी? जाओ 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 जाओ। मैंने आपको मना भी किया है कि तस्वीरें लेने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आईना से हरकत मत कीजिएगा।
क्या बात है बेटा, तुम सुबह से कमरे में बंद हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी जी अनाबी, मैं ठीक हूँ। बेटा मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन माँ जैसी हूँ। तुम्हें कोई परेशानी है या तुम इस रिश्ते से परेशान हो तो तुम बता दो, मैं आज़म से बात कर लूँगी, वो मना कर देगा इमरान की माँ को, कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं अनाबी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी अंकल से बात हो चुकी है और मैं उन्हें इख्तियार दे चुकी हूँ कि वो जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। सर वो एक बात पूछना चाहता था मैं आपसे। हाँ हाँ कहो, क्या बात? रहमा को आपने मेरे बारे में तो बता दिया है, उन्हें कोई एतराज तो नहीं? रहमा ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले का जिम्मेदार मुझे बनाया है और जहां तक मेरी राय है वो मैं तुम्हें बता चुका हूं, तुम मुझे पसंद हो। थैंक यू सर। इमरान वैसे तुम रहमा के बारे में काफी कुछ जान चुके हो, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि एक बार मिल लो, एक दूसरे के बारे में खुलकर बात कर लो, जो भी सवाल है अभी कर लो ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो। सर मैं रायमा के बारे में जितना भी जानता हूँ मेरे लिए इतना काफी है। हाँ लेकिन हो सकता है रायमा के लिए काफी ना हो, वो तुमसे कुछ पूछना चाह रही हो, तुम्हें कुछ बताना चाहती हो, इसलिए एक दूसरे से मिल लो। सर अगर आप कहते हैं तो मैं मिल लूंगा। थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। आप समझा सकते सर कुछ रहा। तो क्या इम्साल किसी को पसंद करती है? हाँ। किसे? इमरान को। बेटा अरीशा में और मुझ में जो क्लास का फर्क था उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं तुम्हारी सोच और पसंद से वाकिफ हूं और ये भी जानता हूं कि तुम इमरान को पसंद करती हो, और सच पूछो तो मुझे कोई एतराज भी नहीं है। इमरान एक अच्छा लड़का है, लेकिन पता नहीं क्यों एक अनजाना सा खौफ दिल में बैठ गया है कि कहीं कहीं तुम दोनों भी हमारी तरह। बाबा बाबा आपने अभी तो कहा है कि आप मेरी सोच और पसंद को जानते हैं, तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं कि मैं मामा की तरह क्लास कॉन्शियस हो जाऊंगी? सलाम अलैकुम अनाबी। वालेकुम सलाम। बाबा ने रायमा से बात की? रायमा ने अपना फैसला आजम के सुपुर्द कर दिया। ये तो अच्छी बात है, मैं खुश हूं रायमा के लिए। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। मैं जिन हालात से गुजरी हूँ और जो कुछ मुझ पर बीती है वो मैंने आपको सब बता दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। देखिए मैं आपके बारे में और कुछ जानना भी नहीं चाहता, जितना जानता हूँ इतना काफी है। हाँ अलबत्ता आज मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। मेरी नौकरी के बारे में तो आपको मालूम है, अम्मा से आप मिल चुकी हैं, लेकिन एक और फर्द भी है हमारे घर का जिसको शायद आप नहीं जानते। मेरा बड़ा भाई सैदान
जो अब हमारे साथ नहीं रहता। साथ नहीं रहता मतलब? मतलब ये कि ज़ैदान पहला बच्चा पैदा हुआ था हमारे घर में, इसलिए अम्मा और अब्बा का बहुत लाडला था। अम्मा अब्बा उसकी हर बात मानते थे, इसलिए शायद वो बिगड़ गया। जब अब्बा को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने उसके साथ सख्ती करनी शुरू कर दी और वो संभल भी गया। लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद वो बिल्कुल ही पटरी से उतर गया। मोहल्ले में हंगामा, शोर शराबा, चोरी चकारी, इन सब हरकतों में पड़ गया। और आज उसी का नतीजा ये है कि वो एक कत्ल के इल्जाम में मफरूर है। उसका कुछ अता पता नहीं, हम तो ये भी नहीं जानते कि वो जिंदा है या मर गया। अम्मा उसको लेकर बहुत दुखी हैं, अक्सर उसे याद भी करती हैं, लेकिन अब हमने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। आई एम सॉरी, बहुत दुख हुआ आपके भाई के बारे में सुन के। दुख तो हमें भी बहुत है उसके दूर होने का, लेकिन अब इस बात का इत्मीनान है कि उसकी वजह से हमें मजीद तकलीफें नहीं मिलेंगी। कड़वा सच था जो मैं आपको बताना चाहता था कि मेरी जिंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिससे आप वाकिफ नहीं। आप अच्छी तरह सोच सकती हैं कि आपको क्या करना है। क्या आपकी वालदा जानती हैं कि मैं तलाक? हाँ जानती हैं, मैंने उन्हें बता दिया। और मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपको इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं? देखिए, आपका जो भी जवाब है, आप जो भी सोचती हैं, बगैर किसी मजबूरी के मुझे बता सकती हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपका फैसला इनकार हुआ तो मैं इस रिश्ते से पीछे हट जाऊंगा। मैंने इस फैसले का इख्तियार अंकल को दे दिया है, अब अंकल जो फैसला करेंगे वो मुझे कबूल होगा। मैं सच कह रही हूँ बाबा, मुझे कोई दुख नहीं है, ना ही मुझे कोई अफसोस है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि रायमा को इमरान जैसा इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। बाबू, मैं तुम्हारी कैफियत को समझ रहा हूँ। जानता हूँ कि तुम मुझसे अपना दुख क्यों छुपा रही हो। सारी जिंदगी अफसोस रहेगा मुझे कि मैं चाहकर भी अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। बाबा, बेटी तो आप रायमा को भी कहते हैं ना, तो क्या उसकी खुशी में खुश नहीं होंगे? खुश रहो, आबाद रहो। अम्मा, अम्मा कहाँ? हाँ। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा। अरे छोड़, मुझे चक्कर आ रहे, क्या हो गया तुझे पागल? अम्मा मैं बहुत खुश हूँ आज। क्या हुआ? अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आपको आजम साहब का फोन आया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। बस आ जाएगा। आप सिर्फ एक काम करो, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। वो कर लूंगी मैं, मगर हुआ क्या? इतनी खुशी है मुझे कि बहुत शदीद भूख लग रही है, गरम गरम खाना ला कर दो, उस पर बताऊंगा आप। अच्छा चल, लेकर आते।
जी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगी जी। अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा था ना आपसे कि वो फोन करेंगे। क्या कहा उन्होंने? बस वो कह रहे थे कि जल्दी आप घर आइए। अरे अम्मा, खुदा हमारी मदद तो कर रहा है, अभी देखना आगे आगे और मदद करेगा। अच्छा बताइए कब बुलाया सर ने? बस वो कह रहे थे कि अब जल्दी चक्कर लगाएं, तो दो चार दिन में जाऊंगी। अरे दो चार दिन क्यों अम्मा, कल शाम में आप रेडी रहिएगा ना, मैं ऑफिस से आकर आपको वहां ले जाऊंगा, बस बात कर लीजिएगा। नहीं लेकिन वो, अरे लेकिन बेकिन छोड़िए अम्मा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ज्यादा वक्त लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ज्यादा वक्त तो नहीं लेंगे, बस सादगी से निकाह करके रुख्सत करके ले आएंगे। अरे अम्मा आई लव यू अम्मा, आप कितनी अच्छी हैं यार, कितनी अच्छी हैं आप। आजम, आजम ये क्या हुआ? रहमा, रहमा, रहमा बेटा, रहमा उठो बेटा, उठो रहमा, रहमा क्या हुआ बेटा, गिर कैसे गई? अंकल मैं वॉशरूम जा रही थी, पता नहीं अचानक से चक्कर आ गए। अच्छा परेशान मत हो, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। संभाले हैं अभी। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? जी जी, अब ये बिल्कुल ठीक है, बल्कि खुशखबरी आप लोगों के लिए। कैसी खुशखबरी? शी इज प्रेग्नेंट। पल भी।